राजस्थान क्रिकेट संघ मीटिंग से जुड़ी खबर आपको बता देते हैं। केएल सैनी स्टेडियम में आरसीए की मीटिंग, धनंजय सिंह आरसीए की मीटिंग में पहुंचे हैं, ये तस्वीर आपके सामने है। बुके उनको भेंट किया जा रहा है, कार्यवाहक अध्यक्ष बनने पर बधाई उन्हें दी जा रही है, शुभकामनाएं दी जा रही है। धनंजय सिंह को कार्यकारिणी ने बनाया है आरसीए का कार्यवाहक अध्यक्ष। और इससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे थे कि अब क्योंकि सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं, बधाई देने वालों का तांता और साथ ही साथ शुभकामनाएं उन्हें दी जा रही है बुके भेंट कर। ये सीधी तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। आरसीए के कार्यवाहक अध्यक्ष धनंजय सिंह होंगे, कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। अब जनरल बॉडी भी इस नाम पर मोहर लगा देगी, लेकिन जिस तरीके से बताया सहयोगी ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी ने, उन्होंने कि 21 दिन का नोटिस चुनाव के लिए और उसके बाद जब चुनाव होंगे तो ऐसी पूरी पूरी संभावना है कि धनंजय सिंह ही अध्यक्ष होंगे, क्योंकि शायद ही कोई दावेदारी अन्य पेश करे। लेकिन आज की अगर बात करें तो कार्यवाहक अध्यक्ष आरसीए का धनंजय सिंह को बनाया गया है कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला। और अब जनरल बॉडी की जो बैठक होगी उसमें भी इस नाम पर मोहर लग जाएगी। ये सीधी तस्वीरें आपको सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। आरसीए की मीटिंग हुई और उसमें फैसला धनंजय सिंह के नाम पर मोहर लगा दिए। क्या कह रहे हैं एक बार सुनते हैं। और सभी जिला क्रिकेट संघ के सदस्यों को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया, और मैं सबको ये आश्वासन देना चाहूंगा कि हम सबको साथ लेके प्रयास करेंगे कि राजस्थान में क्रिकेट का नया सूर्योदय हो और खेल जगत में हमारे जो भी खिलाड़ी हैं वो सब आगे बढ़े, देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। आईपीएल का एक बड़ा आयोजन होना है, उसको लेके क्या कुछ तैयारियां रहेंगी और कितनी जल्दी सब जो तैयारियां हैं उनको अपने तमाम साथियों के साथ में बैठकर पूरा कर लेंगे। आज ही मैंने एज इंटरिम प्रेसिडेंट अमान संभाली, मेरे को थोड़ा सा हमें दीजिए। हम चाहते हैं कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का किसी के साथ भी टकराव नहीं हो, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम यही चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी और खेल आगे बढ़े। धनंजय जी, आईपीएल को लेकर क्या अभी काउंसिल से बात की जाएगी? बहुत ही जल्द काउंसिल से भी बात की जाएगी और हम बीसीसीआई से भी संपर्क करेंगे। जो एमओयू बीते दिनों खत्म हो गया था और एक करोड़ों रुपए का बकाया भी चल रहा है, तो उसका भुगतान किस तरह से किया जाएगा और एमओयू क्या दोबारा किया जाना है? देखिए, एमओयू क्यों समाप्त हुआ, क्या कारण था समाप्त, उसको पहले रिन्यू क्यों नहीं रह गया, मैं पास्ट की पुरानी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहता हूँ, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहता हूँ। हम जो है स्पोर्ट्स काउंसिल और सरकार से बात करेंगे और नया एमओयू ड्राफ्ट करके बहुत ही जल्द उसे ड्राफ्ट करके सरकार के साथ एक जॉइंट अंडरस्टैंडिंग पे आएंगे। लेकिन 38 करोड़ का बकाया भी है आप लोगों के ऊपर। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने आज ही इंटरिम प्रेसिडेंट का जो है पोस्ट संभाली है मैंने आज, मेरे को आप कुछ घंटों का हमें दीजिए, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। सर, अभी जांच की जा रही है आरसीए खेल परिषद की तरफ से, जो सहकारिता अभी जांच कर रहा है, किस तरह से अब आप देखेंगे, क्योंकि काफ़ी एविडेंस मांगे थे, एविडेंस दिए नहीं गए, बताया कि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, क्या कुछ रहने वाला है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का किसी के साथ जब तनाव और टकराव होता है तो सबसे पहले हमारे खिलाड़ी और क्रिकेट का नुकसान होता है। हम राज्य सरकार से ज़रूर बात करेंगे, स्पोर्ट्स काउंसिल से बात करेंगे, खेल मंत्री जी से भी चर्चा करेंगे और बहुत ही जल्द आप जो भी समस्या हैं, एमओयू की बात हो, इंक्वायरी की बात हो, बहुत ही जल्द इसका हम समाधान निकालेंगे। सर, अभी जिस जगह पर हम मौजूद है ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की जगह है और यहाँ पर भी चार साल से अडहोक की स्थिति बनी हुई है, जयपुर में भी अभी चुनाव नहीं हो पाए हैं, क्या बोलना चाहेंगे उसे? यही प्रयास रहेगा कि हमारा खेल आगे बढ़े। और जैसे मैंने आपको कहा, मैंने अभी कुछ मिनट पहले ही हस्तग्रहण किया है, तो आप मेरे को 2-3 घंटों का हमें दीजिए, अपन एक बारी और फिर मुलाकात करेंगे और मैं आपको अवश्य आपके जितनी भी क्वेरीज हैं उनको गंभीरता से लेके आपको मैं अवश्य जवाब दूंगा। आरसीए में भी अनियमितताओं की लेकर के भी शिकायत कई जगह हुई थी, कई एजेंसियों के रडार पर आरसीए है, तो क्या अब ये चीज़ें सुलझेंगी समय पर, सारी चीज़ें क्या आप उस चीज़ का प्रबंधन? पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो भी सिचुएशन है, जो भी स्थिति है आज जो बनी हुई है उसको उतारा जाए ताकि हमारे खिलाड़ियों का फायदा हो और क्रिकेट आगे बढ़े। क्रिकेट का युग बदलेगा, आप यूथ हैं, क्रिकेट को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं साहब स्कूल में भी
क्रिकेट खेला करता था और स्कॉश एक खेल आपने आई डोंट नो नाम सुना नहीं होगा, मैं राजस्थान का अंडर 19 कैप्टन भी था, मलेशियन इंटरनेशनल ओपन, सिंगापुर इंटरनेशनल ओपन जैसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट से मैंने प्रतिनिधित्व भी किया है। और खिलाड़ी की क्या, एक प्लेयर की क्या आवश्यकता है, मैं बहुत गंभीरता से समझता हूँ और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि पूरा प्रयास रहेगा कि राजस्थान में जो भी कंट्रोवर्सी रही है क्रिकेट को लेके उनको दूर किया जाए और क्रिकेट का एक नए पूरे उदय हो। कुछ खास गाइडेंस दी आपके पिताजी ने, क्योंकि एक खास उनका लगा, वो खुद एक प्लेयर रहे, खेल मंत्री रहे। आरसी का सब कुछ, हमारा पूरा परिवार जो है एक स्पोर्ट्समैन परिवार है और अजय सिंह जी मेरे पिताजी हैं, मैं बहुत गौरविक महसूस करता हूँ, उनसे हमेशा मार्गदर्शन लिया है और प्रयास यही रहेगा कि जैसे मैंने आपको बोला कि क्रिकेट प्रदेश में कैसे आगे बढ़े, अजय सिंह जी के साथ मेरे जितने भी मार्गदर्शक हैं, जितने भी अपने यहाँ पे एसोसिएशन है, उनके जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, सबकी राय लेके सबको साथ लेके आगे बढ़ेंगे। और ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि क्रिकेट में ना तो मेरा प्रयास रहेगा कि कोई किसी भी किस्म का राजनीतिकरण नहीं हो और भेदभाव पक्षपात नहीं हो। मेरे को कई बारी उन्हें को भी आया है, आपके मीडिया के माध्यम से भी मैंने पढ़ा है कि पिछले कई सालों से प्लेयर का जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, उसमें आपने कई सवाल उठाए। प्रयास ये रहेगा कि फ्री एंड फेयर सिलेक्शन हो और सबको साथ लेके हम क्रिकेट को आगे बढ़ाएं। पिछले कार्यकाल में धनंजय जी सबसे ज्यादा प्लेयर जो थे वो राजस्थान से छोड़कर के दूसरे जो स्टेट से उनसे उन्होंने खेलना शुरू किया, तो क्या अपने यहाँ के जो बिल्कुल अच्छे प्लेयर हैं उन वो वापस आएंगे, ये स्थिति बनेगी वापस? ये एक बहुत चिंताजनक विषय रहा है कि कई ऐसे प्लेयर थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो है हमारे आउट ऑफ स्टेट जाके खेल रहे थे। ऐसा क्यों हुआ उसका मैं ध्यान रखूंगा और ये प्रयास रहेगा कि फ्री एंड फेयर सिलेक्शन हो और हमारे प्रदेश के खिलाड़ी देश का और प्रदेश का नाम रोशन करें। राजस्थान का जो खिलाड़ी है, राजस्थान की जो माटी का पुत्र है, राजस्थान की जो महिलाएं हैं, वो राजस्थान से ही राजस्थान टीम का ही प्रतिनिधित्व करें, इसका मैं पूरा ध्यान रखूंगा और इस पर प्रयासित रहूंगा। गहलोत ने बहुत जल्दबाजी में जो है अपना इस्तीफा दिया था और क्या लगता है कि जो राशि जो चुकानी पड़ती उससे बचना चाह रहे थे? देखिए, मैं मानता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट का नया राजस्थान में सूर्योदय हो। पहले क्या हुआ, पहले क्या नहीं हुआ, आप सबको जानकारी है। मुझे आरोप अति आरोप बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं, मैं सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं यही चाहूँगा कि हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ें इस और हमारा खेल आगे बढ़े। धनंजय जी, चूंकि आपने कहा कि खेलों में राजनीति नहीं हो इसकी आप चिंता करेंगे, अब चूंकि सरकार बदल चुकी है, वैभव गहलोत जब थे, जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब आप कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और आपके पापा भी मंत्री है, तो कितना फायदा मिल पाएगा आरसीए को, खेलों को? इसका जवाब आपको अवश्य देना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हजेंद्र सिंह जी मेरे पिताजी हैं, मुझे बहुत गौरविक महसूस होता है, गर्व महसूस होता है, वो हमेशा मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। बट धनंजय सिंह खीमसर इज ऑल्सो अ इंडिविजुअल। मैं भी 15-20 सालों से संघर्ष करते आ रहा हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। खीमसर में, अगोर में मैं एक छोटी सी फाउंडेशन चलाता हूँ जिसका नाम है खीमसर फाउंडेशन। 14 पैरेलल प्रोजेक्ट चलते हैं, उसमें से एक प्रोजेक्ट का नाम है खेलो मारवाड़। खेलो मारवाड़ तहत हमने आज की तारीख में ग्रामीण राजस्थान में हजारों क्रिकेट के किट बांटे हैं और मैं क्रिकेट में अभी नहीं आया हूँ। आपने जो कहा कि सरकार बदली और आप आए, मैं 2-2.5 सालों से नागौर क्रिकेट संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। मैं पहले से मेरी एंट्री क्रिकेट में हो चुकी थी और मेरा कोई एजेंडा नहीं है, एक ही प्रयास रहेगा कि हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े। और जैसे मैंने आपको कहा कि मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और खिलाड़ी की क्या आवश्यकता होती है, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि वैभव गहलोत को उनके पिताजी का बहुत ज्यादा सहयोग मिला है, वो आरसी से जुड़े हुए थे, तो आपके ऊपर भी क्या आपके पिताजी का हाथ रहने वाला है क्या आगे? देखिए जी, जैसे मैंने आपको कहा कि जो पहले हुआ है मैं पास्ट में बिल्कुल नहीं जाना चाहता, पहले जो हुआ जो नहीं हुआ आप सब उससे वाकिफ हैं। और मैं तो ये आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वैभव जी ने भी 2-3-4 साल कमांड संभाली, उनको भी अनुभव है, वो भी अगर हमको कोई पॉजिटिव पॉइंट्स दें, सकारात्मक ऊर्जा से हमारे साथ जुड़े तो हम उसका भी स्वागत करना चाहते हैं। ठीक है, सबका फोटो ले लो, फोटो वाला।
फोटो से सर हो जाए धनंजय जी, सिंपल शब्दों में इतना सब कि क्या आईपीएल के मुकाबले आप आरसीए कराएंगे? आईपीएल के आरसीए कराने, जैसे कि मैंने आपको कहा, हम स्पोर्ट्स काउंसिल से, खेल मंत्री जी से, सरकार से बात करेंगे, बीसीसीआई से भी चर्चा करेंगे, और पूरा प्रयास ही रहेगा कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का भी आईपीएल में इन्वॉल्वमेंट हो। हम सबकी यही जिम्मेदारी बनती है कि बहुत ही जल्द आपको चुनाव की तारीख घोषित कर दी जाएगी, और बहुत ही जल्द, वेरी सून यू विल हैव फ्रेश इलेक्शंस, दैट्स व्हाट वी एग्जैक्टली वांट। आफ्टर लोकसभा आई थिंक वेरी सून यू विल कम टू नो, आपको बहुत ही जल्द इसकी सूचना मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको कहा कि 21 मिनट ही हुए, मैं टाइम देख रहा हूँ कि मैंने पद संभाला है, थोड़ा सा मेरे को भी समय की जरूरत है। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, जयपुर से सीधी तस्वीरें। धनंजय सिंह जो मीडिया से रूबरू हो रहे थे, आरसीए के नए कार्यवाहक अध्यक्ष धनंजय सिंह, जिन्होंने विजन अपना बताया किस तरह से काम आगे किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्समैनशिप उनके ब्लड में रही है, परिवार में रही है, और ऐसे में नित नए आयाम खेलों को लेकर के, खासतौर पर राजस्थान क्रिकेट को लेकर के आने वाले दिनों में नजर भी आएंगे। शुभकामनाओं का दौर जारी, आरसीए की कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें फैसला लिया गया, धनंजय सिंह के नाम पर मुहर लगी है। आरसीए के कार्यवाहक अध्यक्ष धनंजय सिंह, जिन्हें फूल देकर, शुभकामनाएं देकर कंग्रेचुलेट किया जा रहा है, और विजन उन्होंने मीडिया के साथ में शेयर किया। उन्होंने कहा कि वो खुद जिस बैकग्राउंड से आते हैं, खेलों की भावना और खिलाड़ियों के प्रति उनका खास रुझान रहा है, रुचि रही है, समस्याओं को समझते हैं कि खिलाड़ियों की जो बुनियादी समस्याएं हैं वो क्या होती हैं, और ऐसे में कोशिश उनकी यही रहेगी कि राजस्थान क्रिकेट को नए आयाम दिए जा सके।